मारपीट मामले में गिरफ्तार आप विधायकों की जमानती अर्जी खारिज, दो दिन की पुलिस कस्टडी की अर्जी भी खारिज। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने खंगाला मुख्यमंत्री केजरीवाल का आवास, कहा 40 मिनट 42 सेकंड पीछे चल रही थी कैमरों की टाइम। मारपीट वाले कमरे में नहीं लगा था सीसीटीवी कैमरा, जांच के दौरान पुलिस ने केजरीवाल के घर से सीज किए 21 सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ का इशारा किया, कैमरों से छेड़छाड़ की होगी जांच। आम आदमी पार्टी ने सीएम के घर पुलिस जांच पर उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री का अपमान करने की कोशिश। अपने घर पुलिस जांच पर बोले केजरीवाल, छानबीन चल रही है अच्छी बात है, लेकिन जज लोया की मौत की हो तफ्तीश। बीजेपी ने कहा दिल्ली में अराजकता वाली सरकार, मुख्य सचिव से मारपीट केस में सीएम और डेप्यूटी सीएम से भी हो पूछताछ। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा आज दिल्ली वाले शर्मसार हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दो विधायकों के जेल जाने के बाद भी आपने नहीं सीखा सबक, आप विधायक नरेश बालियान ने कहा काम रोकने वाले अफसरों को ठोकना चाहिए। घटना से नाराज आईएएस एसोसिएशन ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर से की मुलाकात, कहा दिल्ली सरकार में 2.5-3 साल से प्रताड़ित हो रहे। नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी, 30 करोड़ की राशि वाले बैंक खाते सीज, कई इंपोर्टेंट घड़ियां जब्त। छापेमारी में 13.86 करोड़ की कीमत के नीरव मोदी की कंपनियों के शेयर भी जब्त, 176 अलमारियां जब्त। पीएनबी बैंक को 11.5 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागे नीरव मोदी को ईडी ने फिर भेजा समन, कहा हाजिर नहीं होने पर प्रत्यर्पण की होगी कार्रवाई। मुंबई के अंधेरी में मेहुल चौकसी की कंपनी के दफ्तर के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी की कंपनी के साथ खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद को लेकर बातचीत, आतंकवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आगरा में आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। राजस्थान में बीजेपी विधायकों को सता रहा है भूतों का डर, विधानसभा में हवन करने का प्रस्ताव। उपचुनाव में हार और दो विधायकों की मौत के लिए विधायकों ने प्रेतात्माओं को ठहराया है जिम्मेदार। समस्तीपुर में सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों का फूटा गुस्सा, डीएम दफ्तर के सामने सड़क पर बहाया हजारों लीटर। राजस्थान के बूंदी में गांव में पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर पर जमकर नारेबाजी। सवाई माधोपुर में मनरेगा में काम नहीं मिलने से नाराज मजदूरों का प्रदर्शन, ग्राम पंचायत भवन के सामने नारेबाजी। पन्ना में कॉलेज में मोबाइल बांटने पहुंची मध्य प्रदेश के मंत्री कुसुम महदेले का, छात्रों ने किया घेरा। बलिया में एक लड़की का मोबाइल टार पर चढ़कर हंगामा, कई घंटे बाद ग्रामीणों की मदद से नीचे उतरा। हैदराबाद में एक दवा बनाने की फैक्ट्री में आग, 8 घायल। मुंबई में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रही लड़की से युवक ने की छेड़खानी, वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली में रात को हाईवे किनारे घूमते दिखे बब्बर शेर। अमरेली में शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ कुएं में गिरा, वन विभाग ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के अकोला में एक खेत में घायल हालत में मिला भालू, वन विभाग की टीम ने मौके पर आकर कब्जे में लिया। सीज फायर पर पाकिस्तान को सेना का करारा जवाब, उरी में आतंकियों की मददगार बनी पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। सेना ने पाकिस्तान के एडम बेस को भी बनाया निशाना, सेना की जवाबी कार्रवाई में कई पाक सैनिक मारे जाने की खबर। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद एलओसी पर बसे गांव में दहशत, 500 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। घाटी में फिर एक आतंकी का सामने आया वीडियो, ट्रेनिंग करता दिख रहा है दहशतगर्द। आतंकी नावेद के साथ दो और आतंकियों की तस्वीर, एक हिजबुल कमांडर सद्दाम पडार। पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया एक और बांग्लादेश का संदिग्ध आतंकी, मुर्शिदाबाद से हुई गिरफ्तारी। बॉलीवुड सिंगर पैपॉन का नाबालिग को जबरन किस करने वाला वीडियो वायरल, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में दर्ज हुई शिकायत। हरिद्वार में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में 30 अवैध दुकानों पर
गिरिगाज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नौकरी का झांसा देकर छत्तीसगढ़ की युवती से रेप का एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में देर से पहुंचे छात्रों को परीक्षा देने से रोकने पर बवाल, अभिभावकों ने पुलिस पर किया पथराव। सहरसा में बोर्ड परीक्षा के दौरान दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ी गई लड़की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपौल में सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक करते 5 गिरफ्तार, होटल से पकड़े गए। समस्तीपुर में सड़क हादसे में घायल होने के बाद भी छात्रा ने दी बोर्ड की परीक्षा, लड़की का जज्बा देख हर कोई हैरान। अलीगढ़ में बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करते 60 से ज्यादा गिरफ्तार, कॉलेज के मैनेजर के घर से धरे। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात, बाजार जा रही युवती को गुंडों ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाया। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल। मेरठ में शादी के घर पसरा मातम, हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक बाराती की मौत। कन्नौज में सोशल मीडिया के सहारे चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 129 लोगों पर मामला दर्ज। संभल में बिजली विभाग के ठेकेदार के घर में घुसकर हत्या, पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। बरेली में पीडब्ल्यूडी कैंपस के टॉयलेट में महिला का नरकंकाल मिलने से हड़कंप। हापुड़ में 3 तलाक देने के बाद महिला की हत्या की कोशिश, 5 लोगों पर केस दर्ज। मुरादाबाद में मदरसे की छत पर छात्र का शव मिलने से सनसनी, जांच शुरू। कन्नौज में बाइक सवार को कुचलने के बाद पोल से टकराई बेकाबू कार, सीसीटीवी में घटना कैद। चंदौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, साथी भी गिरफ्त में। बागपत में रेत माफियाओं का आतंक, विरोध करने पर 2 ग्रामीणों को मारी गोली, घटना से गुस्साए लोगों ने की आगजनी। मऊ में शहीदों से परेशान छात्राओं ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार, कई लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ा। रामपुर में एक दुकान के बाहर लोगों ने नाबालक की बेरहमी से पिटाई की, वीडियो वायरल। पीलीभीत में केमिस्ट स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर का छापा, दुकानदार पर नशीली दवाएं बेचने का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का छात्रों ने किया विरोध, 7 मार्च को दीक्षांत समारोह में आने का कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में पराली से पास के गन्ने के खेत में आग, 8 बीघे में फसल जलकर खाक। राजस्थान में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, सीकर में अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर धरना। भरतपुर में बेटा पैदा करने के नाम पर एक तांत्रिक ने पति पत्नी को लगाया 12 लाख का चूना, ठगी कर फरार। जयपुर में रेप की शिकार लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, गरीब नवाज के मजार पर चादर चढ़ाई। जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद ने चंपारण से शुरू पदयात्रा, पति की रिहाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। पटना पुलिस लाइन से 150 सिपाही बिना सूचना के करीब 1 साल से गायब, डीआईजी की जांच में खुलासा। बेगूसराय में बॉल जैसी चीज से बच्चों के खेलते समय हुआ धमाका, 2 घायल। आरा में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, 1 मासूम की मौत। हाजीपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले जालसाजों की लोगों ने की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। दरभंगा में पॉकेट खर्च नहीं मिलने पर देवर ने ली भाभी की जान, हथौड़े से पीट कर मार डाला। देवघर में स्कूली छात्रा से छेड़खानी करना मनचले को पड़ा महंगा, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के बरनाला में नाबालिग लड़की से पड़ोस के युवक ने रेप किया, आरोपी फरार। यूपी के औरैया में युवती ने मेडिकल कॉलेज में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड्स पर लगाया गैंगरेप का मामला दर्ज। बर्धवान में एक ट्रेन से भारी मात्रा में कछुआ बरामद, 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा में नहीं थम रही है रेप की घटनाएं, फतेहाबाद में 23 साल की महिला को अगवा कर 8 दरिंदों ने गैंगरेप किया। फतेहाबाद में एक महिला की दरिंदगी, 3 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। फरीदाबाद में एक सिरफिरे का खूनी खेल, लड़की की हत्या कर खुद को भी गोली मारी। रोहतक में नाशे कबड्डी खिलाड़ी प्रीति की शिकायत पर उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज, शादी के लिए डराने धमकाने का आरोप। फजिलका में एक युवक की लोगों ने खंभे से बांधकर पिटाई की, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में स्थानीय नौकरी की
स्थायी नौकरी की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन जारी। रायसेन में डीएम दफ्तर पर निकाला मार्च। मध्य प्रदेश के दामोह में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों का हंगामा। पीएम आवास योजना में काम कराकर पैसे नहीं देने का आरोप। जबलपुर में एक लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। आरोपियों में एक 80 साल का बुजुर्ग शामिल। रीवा में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 9 गिरफ्तार। गुना में मानव तस्करी गैंग के चंगुल से आजाद हुई लड़की। महिलाएं गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला में डबल मर्डर से हड़कंप। बदमाशों के हमले में एक शख्स बुरी तरह घायल। गुरुग्राम में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 6 लड़कियां समेत 8 हिरासत। दिल्ली में कारोबारियों के विरोध के बीच सीलिंग जारी। सब्सिडी के कई प्रॉपर्टी सील। गुरुग्राम में एक इंजीनियर ने हथौड़ा मारकर अपनी पत्नी की जान ले ली। मौके से फरार। दिल्ली में राजौरी गार्डन में मायापुरी तक रिंग रोड का इलाका कैमरे की जद में। कारोबारियों को मदद से लगाए गए 34 सीसीटीवी। विजयवाड़ा में एक हॉस्टल के छात्रों पर उपद्रवियों ने हमला बोला। कई घायल। हैदराबाद में क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 जालसाज गिरफ्तार। हैदराबाद में बड़े हवाला रैकेट का भंडाफोड़। 3 गिरफ्तार। उज्जैन में 10 सेकंड के भीतर स्कूटर ले उड़े चोर। 3 दिनों में 9 बाइक चोर। यूपी के फरुखाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर गेट खुलवाने को लेकर विवाद। आरोपियों ने की गेटमैन की पिटाई। राजस्थान के बूंदी में पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। वसुंधरा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिजनौर में सड़क हादसे में मारे गए बीजेपी विधायक लोकेंद्र चौहान के घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। परिजनों को दिया सांत्वन। कान्हा की नगरी मथुरा पर अभी से चढ़ने लगा है होली का रंग। द्वारकाधीश मंदिर में गुलाल उड़ा। दिल्ली के निजामुद्दीन में 90 एकड़ में फैले नर्सरी का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। आम आदमी भी कर सके सैर। गोरखपुर में पुणे में रहने वाले एक शख्स ने रिवर्स गियर में चलाई कार। स्वच्छता अभियान का दिया संदेश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।